हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि जो आपके 12 सितंबर को, यानी जो 12 सितंबर को जो आपका क्लास नाइन्थ का जो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो वो पेपर मुझे मिल चुका है। आप लोग देख सकते हो, एक कक्षा नौवीं वालों का 12 सितंबर जो पेपर होना है इंग्लिश का, वो मुझे मिल चुका है। तो मैंने सोचा आप लोग थोड़ा बहुत मदद करा दी जाए, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आप लोग सामने इसका पूरा संभव सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, क्योंकि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारा निबंध किस पे आया है, एप्लीकेशन किस पे आई है, वो आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, वो भी मैंने आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू कर दें। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर है मेरे पास। तो ये आपका क्लास नाइन्थ है, क्वार्टरली एग्रीली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश का। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो हिंदी मीडियम का है, जिसमें आप लोग रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, इस प्रकार से देखो, ये आपका सेक्शन ये है जिसमें आप लोग सामने लिखा है रीडिंग। तो इसमें आप लोग सामने क्या देखिए, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब आप लोग सामने 5 नंबर की आंसर पेसेज आएगी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं आंसर पेसेज किस प्रकार की होती है। आंसर पेसेज इस प्रकार की रहेगी, जो जिसको आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, वो पढ़ने के बाद आप लोग सामने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे इसी आंसर से संबंधित, तो उसके आपको आंसर देने हैं। जैसे कि आप लोग इस अनसीन को पढ़ने के बाद आप लोग सामने नेक्स्ट पेज निकालोगे, तो आप लोग देख सामने इस प्रकार से और भी अनसीन है, बट थोड़ी ये भी दी गई है, तो इसको पूरा काम ले। पढ़ने के बाद आप लोग देखोगे पहले क्वेश्चन लिखा है, ये आगे क्वेश्चन। ठीक, तो पहला लिखा है वेयर आर द हिमालय इज द इन हिमालय इन इंडिया। तो मतलब हिमालय है जो वो कहाँ पर है, तो आप लोग साउथ में है का, ईस्ट में है का, नॉर्थ में का, वेस्ट में। ठीक, तो हम लोग जैसे ही हमने पहले पढ़ा था, तो आप लोग देख सकते हो द हिमालय आर ब्यूटीफुल मोमेंट इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है, नॉर्थ में है। तो आप लोग देखते हो उसमें नॉर्थ ऑप्शन दिया गया है, हाँ, तो जो ये नॉर्थ ऑप्शन दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसी प्रकार से प्रत्येक अनसीन को देखना है, इसी प्रकार समझना है, इसी प्रकार से आप लोग आंसर देख सकते हो। ठीक, तो चलिए हम आपको अब आंसर बता देता हूँ। पूरा आप लोग देखिएगा कि इसमें मैंने एप्लीकेशन भी बताई है कि एप्लीकेशन आपकी कौन से कार पे आएगी, टी सी पे आना है कि लीप पे आनी है, संपूर्ण बताया है। ठीक, तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 से 15 मिनट का है। 10 से 15 मिनट में आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे तरह समझ में आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से अपना पेपर करना है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका नॉर्थ। दूसरा लिखा है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा लिखा है विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयस, तो इसमें हो जाएगा आपका गोदावरी, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अगला आप लोग सामने चूज द करेक्ट अपोजिट फॉर एगली, तो मानी योगली का अपोजिट है, मतलब उल्टा क्या है, तो योगली का अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देख रहे हैं, अगला आप लोग चौथा जिसमें लगा द हाइएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, क्या इसमें लगा क्या सबसे ऊंची इमारत माउंट एवरेस्ट है, तो इसमें लिखोगे आप लोग ट्रू, मानी हो गया सत्य, फेलस मीन हो गया असत, तो क्या है सत्य, हाँ तो सत्य, तो ट्रू इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट हम लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, जो आपके 5 नंबर दिए गए। तो ये भी फिर आप लोग सामने अनसीन पेसेज दी गए हैं, तो इसी प्रकार से इस अनसीन को पढ़ना है, जिस प्रकार से वो वाली पढ़ी हम लोगों ने, अगली वाली इसी प्रकार से इसको पढ़ना है। फिर आप लोग सामने इस पर यहाँ पर भी दी गई है, इसको इसी प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला फिर आप लोग सामने क्वेश्चन है द साइंटिफिक इनोवेशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, तो देखो यहीं से हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे द साइंटिफिक, देखो यहीं पे मिल गया, तो पहले आने में मिल गया ऑफ 1789, मतलब 1789, तो इसमें आपको ए आंसर है यहाँ पर, तो जो ये सी वाला, तो आप उसमें इस प्रकार से सी आंसर सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ढूंढना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट दूसरा वाला, जिसमें लिखा है द केबिन फॉर द वॉलेट इज कॉल्ड ए, तो इसमें के बाद हम देख रहे हैं द कॉल्ड वाला, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कुक प्लेट। ठीक, कुक प्लेट जो हमने इसमें आंसर में पढ़ा था, यही आपका आंसर है। बस बहुत ही सहल है बच्चों, बस उसी का आंसर मुझे छाँट के लिखना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना है, जिस प्रकार से मैं समझा इस प्रकार से मैं पूरा पेपर समझाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, फिर लेकर आपसे तीसरा एन एरोप्लेन हैज इन इंजीनियरिंग डेट इज वर्केड बाई, तो इसमें हो जाएगा पेट्रोल, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा एरोप्लेन, मतलब डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला आपके सामने है पांचवा, जिसमें लगा बी आर लिविंग इन द लिविंग इन द, तो इनमें से क्या है लिविंग में, तो अब लोग हुए एज ऑफ साइंस, डी ऑप्शन आपका
सही है। तो इस प्रकार आप लोग जान, मैंने 10 नंबर की एन सी पी सी पूरी कम्प्लीट करा दी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट बोर्ड। नेक्स्ट रहेगा आप लोग सामने सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी इसी प्रकार से राइटिंग रहेगी, जो 4 नंबर रहेंगे, जिसमें आप लोग नोट मेकिंग दी गई है। क्या है नोट मेकिंग? देखो नोट मेकिंग में कभी कुछ नहीं करना, देखो ऐसे ही पढ़े जाते हैं नोट मेकिंग में। यहाँ पर आपको टाइटल और सब टाइटल छाटना के लिए बस, ठीक, जो 4 नंबर है। देखो किस प्रकार से छाटेंगे, तो देखो अधिकांशतः टाइटल हमें पहली ही लाइन में मिल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा ग्लोबल वार्मिंग इज क्लोज्ड इज द, मतलब कि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किसके ऊपर दी गई। तो आप लोग देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दी गई, तो टाइटल में आप लोग लोगों के ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। ये हो जाएगा जो शब्द बार बार आपको दिखाई दे वो समझो वही अपना टाइटल है। तो इसमें टाइटल हो गया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अब हम देखते क्या नोट्स, नोट्स हमेशा कब लिखना है मुख मुख लग जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये हो गया एक नोट्स। दूसरा हो गया आप लोगों के सामने यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इस प्रकार से मोस्ट जैसे ए हो गया, ठीक, इन्वेस्टमेंट, ठीक, एक ए हो गया, एक ए हो जाएगा ग्लोबली इधर। इस प्रकार से मुख 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 हेडिंग छान लीजिए, वो आपके नोट्स हो जाते हैं, ठीक। ये पास ठीक है, वो आप लोग इसमें अच्छे डेफिनेट नंबर मिल ही जाते हैं, ठीक। फिर आता है आप लोग सामने क्या सुबले लगी आप लोगों की, इसके यहाँ समरी, समरी में लिखना है। तो आप लोग समरी कुछ नहीं करना, एक लाइन छोड़ के दो, जैसे कि एक पैराग्राफ ए यहाँ से, यहाँ से आपने यहाँ तक लिख दिया मान लो, ठीक। तो इतना लिख दिया एक लाइन, फिर एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन लिख दो, एक लाइन छोड़ के एक लाइन, ये आपकी समरी हो जाती है, ठीक। इस प्रकार से करना है आपको, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लिखा है यू आर अमित गुप्ता, तुम्हारा नाम क्या है? अमित गुप्ता, ठीक। बस यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो नाम दिया है पहले नाम लिखना पड़ता है। अब इसी का आंसर मैं इसी में मिलाऊंगा आपके लिए, क्वेश्चन का क्वेश्चन मिला देता हूँ। जिसमें लगा यू आर अमित गुप्ता, ठीक, स्टडी इन गवर्नमेंट, ये आपका दो स्कूल का नाम दिया है रीवा, ठीक। ब्राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, का भी लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दो है ना, दो एप्लीकेशन वेरी वेरी मोस्ट है, एक दो अभी स्लिप मतलब कि एक रहेगी अभी लीव के ऊपर सीख लीजिए, एक सीख लीजिए आप लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक। तो आप लोग कुछ नहीं करना, इसका आंसर आप लोग लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखना ही वाला। तो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूँ तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से, इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूँ किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया है उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर यहाँ पे टाइप करना होगा आपको स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम, ठीक है। तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा स्टडी नोट्स पीजे। जैसे आप स्टडी नोट्स पीजे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर वन प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको देखेगा एमपी बोर्ड। तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024, ठीक है। तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए, ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थी कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे दो सेट का अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट बी पे क्लिक, सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डाला हुआ, देख लीजिए पूरा पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डाला हुआ है, पूरा पेपर देख लीजिए सबसे पहले, देखते जाइए मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल है वो रीड कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हला कलर का जो है डाउनलोड का बटन देखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो, ठीक। माय फादर ट्रांसपोर्ट, चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग खुद फिर सीख लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो मैं इसका आंसर भी लेके आया हूँ। ये पूरा देखो टू द प्रिंसिपल पूरा लिख देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे पूरा, फिर इसके बाद ये दिया गया, ठीक है। तो मैं इसको तिरछा कर लेता हूँ, ठीक, ऐसे साइज में, तो आपको साफ देगा देखो ये। तो आप लोग बस वीडियो को रोकना है पूरा, इसको पूरा कम्प्लीट पढ़ लेना है, ठीक। ये हो जाता है आपका पूरा आंसर, मैंने बता दिया, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और नेक्स्ट आप लोग सामने क्या देखो, ये है आप लोग सामने ब्राइट एन एस ए ऑन एनी फिल्म, मतलब
इन चार में से आपको किसी एक पर क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ठीक है, इन चार में से किसी एक पर लिखना है जो आप लोग जाना है, 5 नंबर दी गई है। तो अधिकांश हम लोग बंडा ऑप्शन पर सीख के आएंगे, तो आप लोग बंडा ऑप्शन पर सीख लीजिए, वो हम इसका आंसर बताऊँगा। बंडा ऑप्शन पर जो मैंने मुख छोटी छोटी हेरेंगे दी हैं, देखो ए मैंने यहाँ ए आप लोग बंडा ऑफ साइंस, तो इस पर क्या जाएगा, आप लोगों ने अपने सीख लिया है तो अच्छी बही बात लग रही है, नहीं सीखा है तो हम आपके सामने बता रहा हूँ। ए आप वीडियो को रोक कर इस प्रकार से इंट्रोडक्शन हो जाएगी आपकी, एक हेडिंग हो जाएगी और दूसरी हेडिंग हो जाएगी, ठीक, तीसरी हेडिंग हो जाएगी, चौथी हेडिंग आप लोगों के सामने ए हो जाएगी, ठीक, पाँचवीं ए है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने मैंने 5 हेडिंग बता दी है जो 5 नंबर रहेंगे, तो 5 हेडिंग लिखना आपको ओनली बस, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने बंडल ऑप्शन का पूर्ण नंबर कम्प्लीट हो जाता है, ठीक। फिर आप लोग सामने रहता है क्वेश्चन नंबर छठवां, छठवें क्वेश्चन में दिया है इस चित्र को देख कर आपको कितने 80 वर्ड लिखना है, ठीक, जो आपके सामने 3 नंबर में रहेंगे, कितने नंबर में, 3 नंबर में। अगर आप इसमें बन जाए तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला आप लोग सामने सेक्शन सी जिसमें देखिए ग्रामर, तो ग्रामर है तो हम लोग ग्रामर रहेंगे, जो आप लोग सामने 5 करना है, दो दे दो दिए जाते तो 8, लेकिन हमको कोई कितने करना है, ओनली 5, यानी 5, 5, ठीक। तो 5 हम करेंगे, तो पहला लिखा है सनराइज इन द ईस्ट, तो इसमें आपको अद्धा भर देना है। दूसरा है आई डेड बाई मैंगो, तो इसमें एन ही आ जाएगा। तीसरा लिखा है ही इज इंजीनियर, इसमें एन आ जाएगा। चौथा बी टू वॉच द मूवी स्टडी, तो इसमें आ जाएगा बैंड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप इस प्रकार से भर लेना पूरा, ठीक। चलिए और भी बता देता हूँ, अब पूरा सोल्यूशन कराऊंगा मैं। फिर आप लोग सामने देर इज नॉट वाटर इन द पूल, पूल वाले में आपको मैन ही भर देना है, ठीक। इस बार एक स्ट्रेंजर खेल लिए 25, इसमें आपका एन आ जाए, ओन आ जाएगा, ठीक, ओन भरना है, यही पर गलती कर देते हम लोग, तो यहाँ पर ओन भर देगा, ठीक, ओन आ जाएगा। इसको आप लोग करके दिखा देना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हमको कितना करना है, देखो 5 करना है, तो हमने यहाँ पर 6 कर लिए, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा आंसर कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं आप लोग सामने डूएज डायरेक्ट, क्या आ जाते हैं बच्चों, डूएज डायरेक्ट जो आप लोग सामने 5 नंबर है, कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो जैसे पहला लगा आपके सामने सीमा हैज राइट एंड इज लेटर चेंज टू पेसेज वॉइस, इसको हमको क्या करना है, पेसेज वॉइस में चेंज करना है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको पेसेज वॉइस चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हो, या चेंज टू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में करना है तो डेड नोट लगा देना है, ठीक। टू वन स्पीक द इंग्लिश, तो इसमें हम भाई जोड़ देंगे, थोड़ा बहुत कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, वेरी कठिन नहीं है, इसको कठिन लग गया तो मैं आगे ही बता देता हूँ। चलिए अभी हम इसको छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए फिर आप लोग सामने आता है सेक्शन डी, सेक्शन डी में क्या रहेंगे आप लोग सामने टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से लिए गई है ये, तो जिसमें दिए है क्वेश्चन नंबर 9 चूज द करेक्ट ऑप्शन एनी 4, मतलब इनमें से जो क्वेश्चन है कितने दिए गए, दे दिए गए हैं 6, 6 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। चलिए तो जो पहला लगा मैंने व्हाई डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, क्या है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। फिर आप लोग सामने दूसरा वाला जिसमें लिखा रहा है अकॉर्डिंग टू द मैरिज इन ऑर्डर टाइम द शुड बेयर, तो दूसरी वाले का हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन सही, मतलब फनी, ठीक। तीसरा लिखा आप लोग विच फॉरगेन लैंग्वेज डेड इवल लर्न, तो तीसरी वाले लिखना आपको क्या, तीसरे वाले के लोगों को डी, कौन सा डी ऑप्शन है, बहुत ए और सी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए हम लोग चौथा वाला, क्या है हु हेल्पड एवल टू कंटिन्यू बेहतर म्यूजिक, तो इसमें चौथे वाले का हो जाएगा आपके सामने डी ऑप्शन, मतलब ए वाला। पांचवा देखते हैं, पांच भार्ट इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल अबाउट, तो पांचवें का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। छठवा भैर बाज द इनिस्ट प्लोन, तो इसका हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने पूरे सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आप लोग सामने रीड द एक्स्ट्रा केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी, तो आप लोग इसको पूरी अच्छे से पढ़ना है, समझना है, 3 नंबर दिए गए हैं। फिर इसके आपने सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन इसी में से छाँट के इसके आंसर ढूंढना है। चलिए हमने इस प्रकार से छाँट लिए हैं, तो इसके आंसर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, बता देता हूँ। तो पहला अगर नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द फनी हेड, तो इसमें इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर पहले का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा ए ऑप्शन, मतलब ए वाला सही है। दूसरा का है व्हाट वाट वाज मेरी ओपनिंग स्कूल, तो इसमें हो जाएगा सी वाला, ए सही है। तीसरा लिखा है वाट वाज द रॉन्ग विथ द म्यूजिकल टीचर, तब ढूंढना है, इसमें लिखना आपको इट वाज, यहाँ से लिखोगे, दो यहाँ पर बता देता हूँ होगा कहीं पर कहीं, तो इट वाज में लिखोगे
इट वॉज नॉट फिक्स्ड इन द अप्रोच टूवर्ड टीचिंग, टूवर्ड टीचिंग करना बस इस प्रकार। चलो इसको अभी छोड़ देते हैं, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने 10 नंबर भी जो भी आपके सामने 3 नंबर है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर चलिए पढ़ने के बाद आप लोग सामने इसके क्वेश्चन जी रहेंगे आंसर क्वेश्चन। तो इनके क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट डज द येलो दो व्हाट डज द येलो वुड मीन, तो इसमें जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है इसमें ए वाला है। दूसरा लिखा है भाई वाज द ट्रेवलर विलिंग द सॉरी, तो दूसरे में भी आपका बी वाला सही है। तीसरा फ्रॉम व्हिच द पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, तो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन वाला वन, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट करा दिया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टूर, नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, जो 30 शब्द लिखना है, जो कि एनी सिक्स यानी 6 लिखने, 2 नंबर में है, 7 दिए गए हैं, 7 में से आपको कोई 2 करने हैं, लेकिन ये आंसर भी हमारे पास आ चुके हैं, मैंने इसके आंसर ढूंढ लिए हैं, बहुत मेहनत के साथ ढूंढा है। तो चलिए इसके आंसर देख रहे हैं। इसके आंसर देखने से पहले मैं आप लोग बता दूँ, अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने लोग आए जितने लोग यहाँ तक वीडियो देखें सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि अभी तो आपका इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का, विज्ञान का संपूर्ण सोल्यूशन मैं कराऊंगा आपको बाकायदा उत्तर सहित, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 के ये पूरे आंसर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ये पीडीएफ पूरा मेरे पास है, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ सभी के आंसर, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 के पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, वही सारे के सारे क्वेश्चन लोग यहाँ पर भी दिए हैं। तो इन क्वेश्चन के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो को जरूर वेट करें, ताकि मैं इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपको बता सकूँ, ये क्वेश्चन भी बताऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।